हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटीन्यूअस बॉडी हम लोग पढ़ रहे थे, तो टेक्निक हमने क्या बताया था कि एक छोटा एलिमेंट मानो, एलिमेंट मानने के बाद क्या करो, उस dm का वैल्यू dx के फॉर्मेट में निकालो और उसके बाद से इंटीग्रेट इट अंडर द प्रॉपर लिमिट। तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ l एंड मास m। अब बेटा देखिए, इसके बाद ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द एक्स। एक्स कहाँ से होके जा रहा है? सेंटर से होके जा रहा है। तो देखिए बेटा क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। छोटा सा एलिमेंट क्या मानते हैं? अब देखिए ये जो एलिमेंट है ना, पिछला वाला एलिमेंट अपना लीनियर था, बट ये जो बेटा एलिमेंट है लीनियर नहीं है, टू डायमेंशनल में 2D है। इस एलिमेंट का जो लेंथ है, दैट इज टेक द लेंथ इज इसका जो ये सॉरी इसका ब्रेथ ले लेते हैं dx, और ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ b है। तो इस एलिमेंट का भी ब्रेथ तो b ही होगा। अब देखिए अगर ये एलिमेंट माइनस l by 2 से l by 2 तक फैला दिया जाए तो आपका पूरा प्लेट कंप्लीट हो जाता है। दैट इज हम यही बोलना चाह रहे थे, माइनस l by 2 से l by 2 तक फैला दिया जाए तो ये पूरा प्लेट आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी अब आपको करना ये है कि इंटीग्रेट आर स्क्वायर dm हमने बोला था। तो ये देखिए यहाँ से मानते हैं कि x डिस्टेंस पे है, तो इक्वेशन लिखते हैं x स्क्वायर dm। ओके, लेकिन अब एक बात समझे, dm की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मास पर यूनिट एरिया निकालना होगा। हमने बोला था ना जैसा कि लीनियर रहेगा तो मास पर यूनिट लेंथ, अगर टू डायमेंशनल है तो मास पर यूनिट एरिया, थ्री डायमेंशनल है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट एरिया निकालते तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल बी, दिस इज द मास पर यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया का मास अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, स्मॉल डीएम के लेंथ से स्मॉल डीएम के एरिया से इनटू कर दोगे तो आपको मास ऑफ दिस स्ट्रिप, यानी कि ये आपका हो जाएगा एल, और ये देखो इसका जो लेंथ है सॉरी नॉट एल बी, ये बी और ये आपका डी एक्स, बी से बी गया, ये आपका dm की वैल्यू आ गई m by l dx। अब बेटा इसके बाद क्या करना है, इस dm की वैल्यू आप पुट कीजिए और इंटीग्रेट इट अंडर द प्रॉपर लिमिट एंड यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन ax पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, माइनस l by 2 से l by 2 इंटीग्रेट कीजिए m by l, ओ सॉरी x स्क्वायर m बाई एल डी एक्स। नाउ अब करना है क्या बेटा, ये m बाई एल तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, ये आगे आपका आ जाएगा m बाई एल, इंटीग्रेशन किसका करना है, x स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। अब बेटा इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इरेज करते हैं इसको, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में देखिए क्या आएगा, पावर में एक प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर उससे डिवाइड एम बाई एल इंटीग्रेटेड अंडर द प्रॉपर लिमिट्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एम बाई एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आपका आ जाएगा एल स्क्वायर, सॉरी ये एक्स क्यूब होगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया है तो पावर में प्लस वन होगा और थ्री से नीचे डिवाइड होगा, तो ये अब लिमिट इसमें जो जाएगा एल बाई टू का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस एल क्यूब बाई टू, यानी कि आपका ये एट ले लो यार, सीधी सी बात है, ये भी एट कर लो, तो ये देखो फिर से आपका हो जाएगा ना एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यूनिफॉर्म रॉड का आया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रेक्टेंगुलर प्लेट का भी आ रहा है, और ये आपका आ गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो इस चीज़ को हम लोग जैसा ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों, ये एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आया। अब देखिए क्यों सेम आया, थोड़ा सा ध्यान से बेसिकली समझिए। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, अगर आप इसको सामने से देखते हो, फ्रंट व्यू सामने से अगर हम इसको देखते हैं, तो जब आप इसको सामने से देखते हो तो ये आपको एक रेक्टेंगल ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा, ये
फ्रंट व्यू देखते हो सामने से इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी कि रॉड को बेटा अगर इनफाइनाइट टाइम जूम कर लो तो ये आपको लगभग रेक्टेंगुलर शेप ही दिखाई देता है, दैट इज द केस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि यूनिफॉर्म रॉड का होगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब जो दूसरा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को अब निकालना है। ये रहा सर्कुलर रिंग, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अगर इसका रेडियस आपका आर हो, एक बात को ध्यान से समझना है, इसका रेडियस अगर आप लोग का आर हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, रिंग है, रिंग को एक्सिस पे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करिए एलिमेंट्री मास लीजिए डीएम, एलिमेंट्री मास लेते हैं बेटा डीएम, इस रिंग का मास एम है, ठीक है, एलिमेंट्री मास हमने लिया डीएम। अब एक बात बताइए, इस एलिमेंट्री मास को इंटीग्रेट करना हम लोग को, ये कितना डिस्टेंस पे है, दिस इज आर स्क्वायर डीएम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डी आई का इक्वेशन होगा। अब रही बात की लिमिट क्या लगाओगे, तो देखो यार लिमिट तुम्हें जो लगाना है, तुमने ये लिया है डीएम, तो इस डीएम का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इंटीग्रेशन होगा किसका, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन बच्चे, देखो अगर इस डीएम को आप लोग आर स्क्वायर डीएम है, यानी कि ये एलिमेंट्री मास 2πr के फॉर्मेट में अगर आप सबमिट कर देते हो, 2πr के फॉर्मेट अगर तुम इसको फैला देते हो, तो फिर ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पूरा रिंग कंप्लीट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो r स्क्वायर dm को इंटीग्रेट करने की जो लिमिट होगी वो होगा 0 से r। अब अपने साथ सामने प्रॉब्लम है dm, dm को क्या कर सकते हो, देखो यार dm जो है ना पूरा मास कितना इसका m है, तो m अपॉन 2πr उससे भी निकाला जा सकता है, नहीं तो जाहिर सी बात देखो अगर हम यहाँ से आपको ये जो r स्क्वायर है, एक और छोटी सी लॉजिकल बात बताते हैं, ध्यान से उसको ध्यान देते हैं। देखो r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेट करोगे नहीं, और इंटीग्रेट होगा क्यों, कौन सा dm, तो छोटा छोटा dm जुड़ के बहुत बड़ा मास बन जाएगा m, जो कि मास ऑफ द रिंग है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 0 से m इंटीग्रेट होगा, यानी ये कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, टेकिंग r एज अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट करेंगे 0 से m, और ये रहा मेरा dm, दिस इज r स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, dm इंटीग्रेट होकर बड़ा वाला m, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि m माइनस 0 दैट इज mr² आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दिया जाता है कि r को तो आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कौन सा होता है, एलिमेंट्री मास स्मॉल मास dm होता है। तो ये दो कंटिन्यूस बॉडीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको सिखाया, आप इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, थैंक यू।